हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैंटिस क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का सैंपल पेपर 7। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सिग्निफाइज द नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो यहाँ पे आपको ना फोर स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो यहाँ पे आपको बेस्ट देखना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ह्यूमन ज्योग्राफी को डिनोट करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट देखेंगे, इट कवर्स ऑल द एलिमेंट्स क्रिएटेड बाय मैन ओनली। मैन ओनली, ओनली जहां लग गया वो तो वैसे भी ह्यूमन ज्योग्राफी को डिनोट नहीं करेगा। एंड इट कवर्स ऑल द एलिमेंट्स क्रिएटेड बाय द नेचर ओनली, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। एंड इट कवर्स ऑल द एलिमेंट्स क्रिएटेड बाय नेचर एज वेल एज मैन, तो ये चीज बिल्कुल सही है, यही डिफाइन करता है रियल डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो आंसर सी इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू माल्थूसियन थियरी व्हाट इज प्रिवेंटिव चेक फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। तो माल्थूसियन, इनका पूरा नाम है थॉमस माल्थूस, ठीक है। तो ये क्या है, इन्होंने ये इनको क्या है, फादर ऑफ पॉपुलेशन भी बोला जाता है, ये है थॉमस माल्थूस, ठीक है। तो इन्होंने क्या थ्योरी दी थी कि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल करना है आपको, मतलब उसको प्रिवेंट करना है, तो सबसे बेस्ट है लेट मैरिज, यानी शादी की जो उम्र है उसको बढ़ा दीजिए, तो आप एक तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि पुराने समय में क्या होता था, 14-15 साल की लड़की की शादी हो जाती थी, और फिर इसी वजह से क्या है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलती थी, क्योंकि वो बच्चे ही पैदा करती रहती थी, ठीक है। लेकिन लेट मैरिजेस जो है, हमारी सरकार ने क्या कर दिया है, अभी पूरी तरीके से कंपलसरी कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है कि भाई 21 ईयर्स से पहले आपको शादी नहीं करनी है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल भी होगी, लोग जो है मेच्योर हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, तो फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। देन थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अ हाई डिमांड ऑफ ग्राउंड वाटर। तो यहाँ पे कौन सा स्टेट जो है वो ग्राउंड वाटर का इरिगेशन बहुत ज्यादा करता है, बहुत ज्यादा डिमांड है इसकी। तो देखो, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ तो खेती बहुत कम होती है, तो इस हिसाब से यहाँ पे ये कट कर देंगे हम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है पंजाब, पंजाब रहा, हरियाणा रहा, यूपी रहा, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं यहाँ पे ग्राउंड वाटर की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे पंजाब। केरला जो है ये रिवर से ज्यादा इरिगेशन करता है, ठीक है, ये तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी। एंड फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, नॉट बोल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लार्ज स्टेट्स यहाँ पे तो हो सकती है, सी है एग्रीकल्चर, बी बोल रहा है क्रॉप स्पेशलाइजेशन, ये भी हो सकता है, सी है हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे एग्रीकल्चर फील्ड में चाहिए होता है, बट हाईली स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं है प्लांटेशन एग्रीकल्चर में, और वैसे भी हाई स्किल्ड बंदा जो है वो एग्रीकल्चर करेगा भी नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो क्वेश्चन है, ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद द फिजिकल एनवायरमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ह्यूमन बींग जो है वो किस चीज से इंटरैक्ट होता है, ठीक है। तो ये है भाई आपके टूल्स वगैरह से क्या करेगा ना, स्किल्स है, टेक्नोलॉजी है, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी से इंटरेक्ट होता है, ठीक है, तो इससे हमें अपडेट भी रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन बोल रहा है, मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ है एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं। तो फेज वन का जो समय था ये 1901 से लेके 1921 के बीच में रहा है स्टूडेंट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थ्री, इस समय पे नेगेटिव ग्रोथ रेट चल रही थी। उसके बाद सेकेंड रहेगा फेज टू, तो इसका जो टाइम पीरियड है ये 1921 से लेके 1951 के पास रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ है, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पे धीमे धीमे चल रही थी, मतलब हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी फैसिलिटेशन आ गई थी मेडिकल वगैरह की, तो यहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ी ठहर रही थी, बढ़िया हो रही थी, ठीक है। उसके बाद भाई इतनी ज्यादा बढ़िया हो जाती है कि फेज थ्री में तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ही हो जाता है। ये जो टाइम पीरियड है ये 1951 से लेकर और 1981 के बीच में रहता है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इसी समय पे होता है स्टूडेंट। इसको बोलते हैं जनसंख्या का विस्फोट, ठीक है, फेज थ्री में। एंड तो हमारा आंसर हो जाएगा, अगर हम इसको मैच करेंगे तो हो जाएगा 3-1-2, आंसर बी इज करेक्ट। एंड सेवेंथ क्वेश्चन देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन कोड्स। तो आपको ये बताना है भाई कि कौन सी चीज सही है। फर्स्ट बोल रहा है, द तिब्बतियो हिमालयन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज इज मेनली स्पोकन इन सिक्किम। तो सिक्किम में जो है वो तिब्बतियन लैंग्वेज बोली जाती है, तिब्बतियो हिमालयन टाइप की जो लैंग्वेज है ये बोली जाती है, क्योंकि इसके बिल्कुल नियर बाई है इसीलिए। एंड सेकेंड जो है, इंडो आर्यन इज द लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया, ये भी सही है, इंडो आर्यन जो लैंग्वेज है हमारे भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है ना ये ट्रू है, आंसर ए इज करेक्ट। एंड एट क्वेश्चन पे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज। तो टर्शरी एक्टिविटीज का आपको बेस्ट एग्जाम्पल बताना है, ट्रेड एंड कॉमर्स ये तो आता ही है, ट्रांसपोर्ट भी है एंड कम्युनिकेशन भी है, ये तीनों ही हमारे टर्शरी एक्टिविटीज के एग्जाम्पल्स है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, आंसर डी इज करेक्ट।
क्योंकि ये प्राइमरी या सेकेंडरी एक्टिविटीज दोनों को ही सर्विस देता है टर्शरी एक्टिविटी, ठीक है। उसके नाइन्थ क्वेश्चन देखेंगे, द इम्पोर्टेंट मिनरल अवेलेबल इन द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। तो इम्पोर्टेंट मिनरल कौन से पाए जाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू में? आयरन ओर है, कोल है, ये भी है, मैग्नीज भी है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो अगर हम देखें नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट, तो जो ये वाला पार्ट है ना स्टूडेंट, ये छोटा नागपुर वाला जो एरिया है, वो झारखंड वाला एरिया जो है, यहाँ पे हमें आयरन ओर भी खूब देखने को मिलता है, हमें कोल भी खूब देखने को मिलता है, मैग्नीज भी देखने को मिलता है, कॉपर भी देखने को मिलता है, ये सारी चीज दे रखी है। तो ये सबसे ज्यादा जो है नॉर्थ ईस्ट के पार्ट में इधर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद टेंथ में देखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एज पर देयर पीरियड ऑफ होराइजन। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के ना मतलब आपको पीरियड बताने हैं, आपको ये स्टेप बाय स्टेप बताना है, ठीक है, कि किस तरीके से उसका होराइजन हुआ। तो पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसका डिस्क्रिप्शन, सबसे पहले हम उसके पहलू पे तो ध्यान देंगे ना कि किस चीज के बारे में हमें डिस्कवर करना है। तो हमारा पहला हो जाएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द रीजन वर अंडरटेकन। सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा कि फिर हम क्या करेंगे, सोफिस्टिकेटेड स्टैटिस्टिकल टूल्स देखेंगे, मतलब उसका डाटा कलेक्ट करेंगे, है ना, चीजों को मतलब जांचेंगे परखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ टूल्स यूज करेंगे उसको आकलन करने के लिए। एंड थर्ड हो जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा एमर्जेंस ऑफ द थ्री न्यू स्कूल्स ऑफ थॉट। फिर हम देखेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी में कि चीजें जो है वो डिटर्मिनिज्म से रिलेटेड है ना, या पॉसिबिलिज्म से रिलेटेड है, या नियो डिटर्मिनिज्म से रिलेटेड है। तो ये तीन स्कूल जो है इनकी इमर्जेंस, यानी इनको यहाँ पे इमर्ज किया गया था, ठीक है। तो पहला डिटर्मिनिज्म यानी एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म जिसको बोलते हैं पॉसिबिलिज्म, और थर्ड है गिफिथ टेलर का नियो डिटर्मिनिज्म। एंड लास्टली हम देखेंगे यूनिवर्सल थ्योरीज टू एक्सप्लेन द ह्यूमन कंडीशंस फॉर क्वेश्चन। तो उसके बाद जब यहाँ पे डिस्कवर हो ही गया है, उसके बाद फिर यहाँ पे चीजें जो है वो क्वेश्चन भी करी जाएंगी, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला फोर, फिर टू, फिर वन, फिर थ्री। तो यहाँ पे फोर, टू, वन, थ्री आंसर सी इज करेक्ट। देन मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इलेवेंथ क्वेश्चन में एज द फॉलोइंग। तो यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी का आपको फॉर्मूला बताना है। तो इसका फॉर्मूला है पॉपुलेशन डिवाइड बाई एरिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल देंगे। ये आपको क्या है, एक वर्ग किलोमीटर, वन स्क्वायर किलोमीटर के बीच में कितने लोग रहते हैं, इससे आपकी जो डेंसिटी है वो डिफाइंड होती है स्टूडेंट्स। एंड बी बोल रहा है क्रूड बर्थ रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। यहाँ पे बर्थ रेट है ना, तो बर्थ रेट से देख लेना कि बर्थ रेट डिवाइड बाई पॉपुलेशन, यहाँ पे इंटू 100 नहीं है, ये गलत दे रखा है यहाँ पे, ये 1000 आएगा यहाँ पे, ठीक है। एक जीरो और लगा लेना, ये यहाँ पे भी लगा लेना। तो यहाँ पे क्रूड डेथ रेट जो है ये क्या हो जाएगा, अब डेथ रेट देखना है तो यहाँ पे डी देख लेना, तो ऐसे करके आप इसको लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 312, 312 का है ये आंसर, ए इज करेक्ट। देन देखेंगे ट्वेल्थ क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है स्टूडेंट। तो बोल रहा है कि फर्स्ट वाला, रोड ट्रांसपोर्ट इज चीप एंड फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, सही बात है भाई, सस्ता भी है और बहुत तेजी से हम पहुंच जाते हैं कहीं पे भी, ठीक है। उसका सेकंड बोल रहा है, इट इज हाईली प्रिफर्ड फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड ऑफ गुड्स। तो ये ट्रेड के लिए मतलब इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड वगैरह तो आपके शिप के माध्यम से ही हो सकते हैं, इसीलिए हमारा ये वाला तो हो जाएगा गलत और ये हो जाएगा सही, यानी ट्वेल्थ का आंसर हो जाएगा ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। अब मूव करेंगे 13 क्वेश्चन पे, देर आर द टू स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन रीजनिंग का ये क्वेश्चन है। तो ए देख लेंगे, मैनी इंडस्ट्रीज बेनिफिट फ्रॉम नियरनेस टू लीडर इंडस्ट्री। तो जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं वो लीडर इंडस्ट्री के आसपास जो है एस्टेब्लिश हो जाती हैं, ये सही बात है भाई। एंड रीजन बोल रहा है, लिंकेजेस बिटवीन द इंडस्ट्रीज इंक्रीज सेविंग एंड प्रॉफिट फॉर ऑल द इंडस्ट्रीज। तो ये भी सही है, ये लोग अपने कनेक्शन बना के रखते हैं, अपने लिंक्स बना के रखते हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट होता है लोगों को और सेविंग्स भी होती है, ठीक है। तो ये कारण है कि छोटी मोटी इंडस्ट्रीज जो है वो बड़ी इंडस्ट्रीज के आसपास जो है एस्टैब्लिश हो जाती है। तो हमारा ये दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो सही है, एंड आर जो है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बता रहा है, तो आंसर ए इज करेक्ट। एंड 14 क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव वेरी हाई डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड की बात हो रही है यहाँ पे, तो इन चारों में से सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कौन से एरिया में है। तो ये है स्टूडेंट आपका नॉर्थ ईस्ट यूएसए। नॉर्थ ईस्ट यूएसए में सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है वो ये है, देखिए यहाँ पे ये अमेरिका का पूरा मैप है, और यहाँ पे ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है ना, ये डेंसिटी से पूरा फुल है, मतलब वन स्क्वायर किलोमीटर में जो लोग रहते हैं ना, तो ऐसे मेजर किया जाता है डेंसिटी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा है, जहाँ पे न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी वाला जो एरिया है ना, तो यही सब, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, वैसे ये इन चारों में बोल रहा है, वैसे अगर देखा जाए वर्ल्ड में तो बांग्लादेश सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला कंट्री है, ओके।
अब देखते हैं 15th क्वेश्चन टू 17th क्वेश्चन के यहाँ पे डायरेक्शंस दे रखे हैं। देखो ये एक फिगर दे रखी होगी आपको और यहाँ पे इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, ठीक है। तो जैसे 15th क्वेश्चन देख लेते हैं, द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट ऑफ अ कंट्री इज नोन एज, तो जो डिफरेंस होता है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, है ना। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता रहेगा तो उसे बैलेंस होता रहेगा। 16th क्वेश्चन एंड 17th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है स्टूडेंट, आप मुझे इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताओगे। और आप कोई भी वीडियोस के जो आंसर्स है वो नहीं बता रहे हो, इसका मतलब आप वीडियोस को अच्छे से देख नहीं रहे हो, आप आंसर्स फाइंड आउट नहीं कर रहे हो। डोंट टेक इट लाइटली स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पक्का आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल होकर पढ़ाई कीजिए और आंसर्स भी दीजिए, ओके। उसके बाद मूव करेंगे हम यहाँ पे सेक्शन बी में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या है, या ये पूरा आपको पढ़ना है सोर्स, उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है विच एरिया आर सोर्स ऑफ आयरन ओर मिनरल। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा एरिया जो है वो आयरन ओर के मिनरल से रिच है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो जैसे क्या है यहाँ पे देवी रखा है कि मयूरभंज वाला एरिया है, सुंदरगढ़ वाला एरिया है। मयूरभंज कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है, सुंदरगढ़ भी उड़ीसा में पड़ता है। झार मतलब झार हिल्स जो है, झारखंड वाली हिल्स जो है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो आयरन ओर है वो पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच मिनरल इज फाउंड इन धारवाड़ रॉक्स, है ना। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स में भी डिस्कस किया था, धारवाड़ की चट्टानों में क्या पाया जाता है, तो मैंगनीज पाया जाता है। और ये मोस्टली आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, जैसे आपके राजस्थान में भी मिल जाएंगी, आपको झारखंड में भी देखने को मिल जाएंगी, है ना, अलवर के एरिया में, झुंझुनू के एरिया में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन वेयर इज बाबा बुदान हिल्स, तो बाबा बुदान की जो पहाड़ियां हैं ये कहाँ पे है, तो ये है कर्नाटका में, कर्नाटका में बाबा बुदान गिरी है एक हिल्स का नाम, ठीक है। अब मूव करेंगे 19th क्वेश्चन पे, ऑब्जर्व द गिवन मैप ऑफ द स्विस कैनाल। तो देखिए यहाँ पे आपको स्विस कैनाल का पूरा जो मैप है ये देख ही रखा हुआ है, एंड इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम विच कंट्री इज द गिवन कैनाल पासिंग, तो कौन से कंट्री के पास से जो ये कैनाल है ये गुजरती है। तो अगर हम देखें यहाँ पे क्लियरली देखते हैं, देखो ये है मेडिटेरियन सी, ये है यहाँ पे अफ्रीका का, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्रीज हैं। तो ये इतना जो एरिया डिफाइंड हो रहा है ये है आपका इजिप्ट, और यहाँ पे ये एशिया वाला एरिया है। अब यहाँ से निकल रही है स्विस कैनाल, इतना एरिया जो ये कवर कर रही है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ेगी, तो जो बीच का पार्ट है इसी को स्विस कैनाल बोला जाता है। तो ये क्या है, कौन सी कंट्री के पास आ रही है, यार ये इजिप्ट के पास है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, हमारा आंसर हो जाएगा इजिप्ट, ठीक है। उसके बाद सेकंड बोल रहा है कि विच सी इज कनेक्टेड बाय दिस कैनाल, अभी जस्ट मैंने बताया मेडिटेरियन सी से कहाँ ये कनेक्ट हो रही है, रेड सी से कनेक्ट हो रही है इस तरीके से। तो बीच में जितना एरिया बनाया गया ना, ये आर्टिफिशियल कैनाल है, इसको बनाया गया था एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहा है कि वाई इज दिस कैनाल कंसिडर्ड अ गेटवे ऑफ यूरोप टू द इंडियन ओशियन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको क्यों बोला गया है गेटवे यूरोप का, क्योंकि अगर जब अगर ये कैनाल नहीं होती ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या है, इस कैनाल को बनने से जो मेडिटेरियन सी में जो ट्रेड होता है, तो यहाँ से जो शिप्स है ना वो इजीली क्रॉस करके रेड सी में आ सकते हैं और उसके बाद सीधा अरेबियन सी में जा सकते हैं। नहीं तो फिर लोगों को क्या करना पड़ता था ना, पूरा का पूरा यूरोप से लेके और पूरा अफ्रीका का एरिया जो है उसको क्रॉस करके फिर यहाँ पे भारत में इनको आना पड़ता था, तो ये बहुत लंबा रूट हो जाता था। इसलिए इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, मेडिटेरियन सी से ही शॉर्टकट निकाला है ऐसे करके, और यहाँ पे ये इंडिया में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर भी यही हो जाएगा स्टूडेंट कि ये जो कैनाल है ना, इसका कट लगने से थाउजेंड्स ऑफ माइल्स का जो डिस्टेंस है ना वो कवर हो जाता है यूरोप से इंडियन ओशियन तक पहुंचने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पे मूव करेंगे सेक्शन सी पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ इज द सर्विस सेक्टर इम्पोर्टेंट फॉर द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। आज की डेट में हमारे भारत में सबसे ज्यादा जो जीडीपी हमारी ग्रोथ होती है वो कौन से सेक्टर से होती है, वो होती है सर्विस सेक्टर से। तो इसमें हम देखेंगे कि सर्विस सेक्टर जो है ये किस तरीके से यहाँ पे जो देश की इकोनॉमी है उसको बूस्ट कर रहा है। तो पहला हो जाएगा यहाँ पे क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है देशों के अंदर, देश जो है वो मतलब डेवलपिंग से डेवलप्ड के रास्ते पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को भाई तो बनना ही पड़ेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या है, जो आईटी सेक्टर है उसकी ग्रोथ हो गई है इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से, टेली कम्युनिकेशन की ग्रोथ हो गई है ना, ट्रांसपोर्ट लाइन्स जो है ये ज्यादा बन गई है, कम्युनिकेशन लाइन्स जो होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो हो रही है। और दूसरी चीज क्या डाल सकते हैं हम कि जैसे अब ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो इसमें जॉब लेने के लिए भी लोग जाएंगे ना, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से क्या है
कि जो लोग हैं छोटे सिटीज में जो लोग रहते थे वो बड़े सिटीज में मूव कर रहे हैं, जो लोग गांव में रहते थे वो लोग गांव से शहरों में आ रहे हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज होने की वजह से भी यहाँ पे इकोनॉमी जो है वो बढ़ रही है और नई जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो लोगों को मिल रही है। एंड थर्ड क्या डाल सकते हो, स्किलिंग ऑफ पीपल, लोग स्किल्ड हो रहे हैं, लोग पढ़ लिख रहे हैं, एजुकेटेड हो रहे हैं, तो उनके अंदर जो है स्किल भी आ रहा है। तो इसकी वजह से कोई टीचर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, लॉयर बन रहा है, तो इसकी वजह से सर्विस सेक्टर जो है ये बूस्ट हो रहा है और देश की इकोनॉमी भी बूस्ट हो रही है। एंड लास्टली आप क्या डाल सकते हो कि सोर्स ऑफ फॉरेन इनकम भी लोगों का बढ़ गया है, जिसकी वजह से क्या है हमारी इकोनॉमी में एक तरीके से ग्रोथ देखने के लिए मिली है, ठीक है ना। तो ये आप डाल सकते हो ये सारे के सारे पॉइंट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विस आर इम्पोर्टेंट फॉर अ कंट्रीज डेवलपमेंट डिस्क्राइब। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो है ना वो किसी भी कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है ये आपको बताना है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन लाइन्स होती हैं, कनेक्ट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, यानी एक कंट्री से दूसरे कंट्री से कनेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो आइडियाज एंड रिसोर्सेज है ना वो भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम जाएंगे तो हमारे आइडियाज और हमारे जो रिसोर्सेज है वो भी उनके साथ ही जाएंगे। एंड यहाँ पे जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं वो डिफरेंट कंट्रीज से कनेक्टेड रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट की जो लिंक्स बनी रहती है ना वो क्या है, हमारे इंडस्ट्री से सीधा मार्केट तक बनी रहेंगी। तो ट्रांसपोर्ट के लिंक्स बनने से क्या होता है कि कोई भी इंडस्ट्रीज का जो सामान है वो इजिली मार्केट तक पहुंच सकता है और मार्केट से फिर हम तक पहुंच सकता है, ठीक है। और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में और क्या डाल सकते हो कि जैसे ये कैरी करता है लोगों को, है ना। अब जैसे रोड ट्रांसपोर्ट है, इसमें भी तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, गुड्स भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, है ना। एयर है, वाटर है, तो ये सारे क्या कर रहे हैं, एक तरीके से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ही तो है जो हमको क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। और पॉइंट क्या डाल सकते हो कि जैसे जो आर्मी है ना, जो नेवी है, तो ये सब क्या है, क्विकली किसी भी जगह पे जा सकती हैं। जब कोई नेचुरल क्लैमिटीज वगैरह आती है तो देखा होगा हमारे देश में, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी जो सीआरपीएफ की फोर्स है वो फटाफट आ जाती है, क्योंकि क्या है हमारे पास ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की सुविधा है, इसीलिए ये सब हमारे पास आ पाते हैं, ठीक है। तो ये सब डाल देना स्टूडेंट। उसके बाद 21st का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वॉट आर द की फीचर्स ऑफ द सेमी क्लस्टर्ड रूरल सेटलमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें देखेंगे कि सेमी क्लस्टर्ड, सेमी, अब देखो क्लस्टर्ड क्या होता है, क्लस्टर्ड मतलब झुंड, ठीक है। लेकिन इसका क्या है, ये सेमी बोल रहा है, यानी हाफ झुंड एक तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं। तो अगर हम इस पिक्चर को देखें तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे सेमी क्लस्टर्ड एरिया है। यहाँ पे देखिए कुछ एरिया जो है ये बने तो है झुंड के प्रकार में, लेकिन यहाँ पे कम है, फिर बीच में क्या है, डिस्पर्स्ड है, इनकी जो कॉलोनीज है, इनके जो छोटे छोटे से जो एरियाज है ये डिस्पर्स्ड है, कुछ यहाँ बने हैं, कुछ यहाँ बने हैं, कुछ यहाँ बने हैं, बीच बीच में क्या है, पूरा खाली है। तो एक तरीके से क्या है, ये है तो क्लस्टर्ड में, लेकिन ये छोटे क्लस्टर्ड है और ये भी डिस्पर्स्ड वे में है, ठीक है। तो इसको हम सेमी क्लस्टर्ड में डाल देंगे। तो इसका रीजन क्या हो सकता है, इनके फ्रेगमेंटेशन का रीजन क्या हो सकता है, कि जैसे अगर कोई डोमिनेंट कम्युनिटी है ना, वो क्या है मेन विलेज में नहीं रह सकती है, तो इसीलिए उसको थोड़ा आउटर एरिया में रखा जाएगा, थोड़ा पेरिफेरियल एरिया में रखा जाएगा उसको, मतलब गाँव से एक तरीके से बाहर रखा जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ये लोग अपना जो एरिया बना लेते हैं उसको हम सेमी क्लस्टर्ड बोल देंगे, ठीक है। या फिर किसी भी वजह से हो सकता है, यहाँ पे इनकी जो जगह है उसको कैप्चर कर लिया गया हो और ये यहाँ से मूव हो गए हो, यहाँ पे सेटल हो गए हो, ठीक है, किसी भी वजह से यहाँ पे हो सकता है। और ये यहाँ पे जैसे इस तरीके से डोमिनेशन भी दिखाया गया है लोगों का, क्योंकि गांव के लोग होते हैं वो कुछ कम्युनिटीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उनको वो बाहर रखते हैं, ठीक है। तो ये आप डाल सकते हो। उसका नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पे 22nd क्वेश्चन, सैटेलाइट एंड कंप्यूटर्स हैव ब्रॉट रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन द प्रेजेंट लाइफ ऑफ द पीपल, इलेबोरेट द स्टेटमेंट विद द 3 सूटेबल एग्जाम्पल्स। तो सैटेलाइट्स एंड कंप्यूटर्स जो है वो किस तरीके से आज की डेट में भैया रेवोल्यूशन लेकर आ रही है, इतना चेंजेस लेकर आ रही है हमारी प्रेजेंट लाइफ में, तो उसके बारे में आपको फोकस करना है यहाँ पे। तो इसमें हम डाल सकते हैं कि ये तो भाई बहुत ज्यादा चेंजेस लेकर आ रही है आजकल, तो भाई जिंदगी ही पूरी तरीके से इंटरनेट और इन सब चीजों पर ही चल रही है देखा जाए तो। क्योंकि अभी देखो सबके पास यहाँ पे सेल फोन्स हैं, सबके घरों में टीवियां हैं, ठीक है। तो ये इंटरनेट और एक तरीके से सैटेलाइट से ही तो कनेक्टेड है, तो आपके फोन में अगर इंटरनेट नहीं रहेगा तो एक दिन ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं क्या भूकंप आ गया, ठीक है ना। तो एक दिन भी हम बिना इंटरनेट के नहीं रह पा रहे हैं आज की डेट में। तो ये क्या है, आज की प्रेजेंट लाइफ दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, हम कितना डिपेंड हो गए इन सब चीजों में। और जैसे अगर आप मेरी वीडियोस भी देख रहे हो तो किसके द्वारा देख रहे हो, इंटरनेट के द्वारा देख रहे हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है ये आज की डेट में बहुत ज्यादा नेसेसरी हो गई है, मतलब कोई भी इंसान जो है इन सब चीजों के बिना नहीं रह पा रहा है, इन कम्युनिकेशन के बिना नहीं रह पा रहा है, ठीक है। और सैटेलाइट का मतलब क्या हो गया, जैसे टीवी वगैरह देख रहे हैं हम, कोई प्रोग्राम वगैरह देख रहे हैं, तो ये सब सैटेलाइट से कनेक्टेड होती हैं। अब हम इसके फायदों में ये डाल सकते हो कि जैसे वेदर फोरकास्टिंग होती है, तो फ्यूचर में जैसे क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, बहुत तेज बारिश आने वाली है, गर्मी आने वाली है, ठंड आने वाली है,
तो उसके हिसाब से हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ एंड प्रॉपर्टी को एक तरीके से सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है इसके हमारे फायदे हैं स्टूडेंट। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे आप डाल सकते हो कि जैसे इंटरनेट है, कंप्यूटर्स वगैरह है, इन सब चीजों से क्या हो रहा है, हमारी जो सोसाइटी है वो टेक्नोलॉजी से कनेक्ट हो पा रही है, एंड इकोनॉमिक एंड सोशल जो स्पेस चीजें हैं वो भी हमारी इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है। ई कॉमर्स आज की डेट में हम जो हर चीज देखें वो ई कॉमर्स से रिलेटेड हो रहा है ना, डिजिटल चीजें चल रही हैं सारी, ई मनी चल रहा है ना। तो ये सारी चीजें आपको डालनी है, ई गवर्नेंस, मतलब सब कुछ जो है टेक्नोलॉजी ने इतना ज्यादा हमको डोमिनेट कर लिया है कि अब हम उसके बिना रह नहीं सकते। इसीलिए क्या है, सैटेलाइट एंड कंप्यूटर्स जो है एक रेवोल्यूशनरी चेंज लेकर आई है हमारे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आप डाल सकते हो, ये एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप अपने हिसाब से भी इसमें कुछ चीजें डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद इवेल्युएट द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द रोड्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आपको बताना है कि रोड्स की क्या इम्पोर्टेंस है आज की डेट में, है ना, और ये किस तरीके से हमारे इंडिया को डेवलप करती हैं, इकोनॉमिक डेवलप करती हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो और मैं आंसर देख लेंगे कि जो रोडवेज है वो किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हिस्सा बन रही है अपना, क्योंकि आज की डेट में स्टूडेंट जो रोड्स है ना वो एक कनेक्टिविटी बनाती है रूरल एंड अर्बन एरियाज के बीच में, ठीक है। और जो ये रोड कनेक्टिविटी होती है ये इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट दोनों के लिए होती है, यानी अगर हम स्टेट से स्टेट में अंदर जा रहे हैं या स्टेट से बाहर भी जा रहे हैं वही सब चीजें। तो जैसे अच्छी रोड होंगी तो हमारा मनी एंड टाइम जो है दोनों ही सेव हो जाएगा, और ये CO2 के एमिशन को भी कम करेगा, क्योंकि जितनी स्मूथ सड़कें होंगी उतना क्या है कार्बन एमिशन जो है ये कम होगा, और जितना रग्ड एरिया होगा ना, उबड़ खाबड़ एरिया होगा तो वहां पे पेट्रोल उतना ही ज्यादा लगता है, उसकी वजह से जो CO2 है वो ज्यादा रिड्यूस होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे जो रूरल इकोनॉमी है वो किस तरीके से कनेक्ट हो रही है अर्बन इकोनॉमी से, तो ये सारी चीजें आप डाल सकते हो, क्योंकि आज की डेट में तो भाई सरकार भी बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, ठीक है। तो जो जैसे यहाँ पे एक स्कीम चली है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और इसकी वजह से क्या है यहाँ पे जो रोड नेटवर्क है वो इम्प्रूव करता है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री को भी, तो रोड जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए। उसके बाद 23rd वाला हम देख लेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से जो ग्रोथ पॉपुलेशन है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर असर डालती है, क्योंकि सबसे बड़ा जो उसमें फैक्टर है वो है रिसोर्सेज का, है ना। तो रिसोर्सेज ज्यादा कंज्यूम होंगे, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उसके हिसाब से लोग चीजों की खपत करेंगे, चीजों को खत्म करेंगे, तो जिसकी वजह से हमारे देश में रिसोर्सेज की कमी हो सकती है, एंड फूड और इन सब चीजों के लिए हमको बाहर डिपेंड रहना पड़ सकता है, यानी हमें बाहर से लेनी पड़ सकती है चीजें, क्योंकि ये चीजें ये लोग तो ज्यादा कंज्यूम कर जाएंगे ना इस वजह से। और यहाँ पे क्या है, फिर लोग जो है पॉवर्टी में भी आ जाएंगे, क्योंकि चीजें है नहीं तो लोग गरीब होते चले जाएंगे, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत पुअर हो जाएगा यहाँ पे। ओवर पॉपुलेशन होने से यही एक दिक्कत हो जाती है, और यही दिक्कत हमारा इंडिया जो है वो फेस भी कर रहा है आज के डेट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग जो है बेरोजगार होता है, और जो पर कैपिटा इनकम होती है वो भी बहुत लो हो जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है, हमें यहाँ पे जो है हाई परसेंटेज ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं डिपेंड हो जाते हैं। अभी देखा नहीं हमारी जो सरकार है कितनी स्कीम चलाती है गरीबों के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बेरोजगार है, गरीब है, तो उनके लिए क्या है बहुत सारी सुविधाएं देनी पड़ती है। अभी हम कर पा रहे हैं तो हम दे भी पाते हैं, लेकिन अगर ये रिसोर्सेज नहीं होंगे तो हम कैसे करेंगे। तो यही सारी चीजें जो है हमारी इकोनॉमी पे एक बर्डन डालती है, ठीक है। अब हम मूव करेंगे सेक्शन डी में। तो फर्स्ट 24th क्वेश्चन देख लेंगे, व्हाट इज कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग एंड व्हाट आर इट्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग क्या होता है और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये बताना है आपको, पशुपालन वाली चीज आ जाएगी इसके अंदर। एंड 25th वाला है, एक्सप्लेन हाउ वाटर क्वालिटी हैज डिटीरियोरेटेड इन इंडिया ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स। तो पानी की जो क्वालिटी है वो किस तरीके से गिरती जा रही है कुछ डिकेड्स के हिसाब से, तो यहाँ पे वो बताना है आपको। एंड इसका और मैं बोल रहा है ये भी वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड है स्टूडेंट, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स बतानी है वाटर पॉल्यूशन से, और किस तरीके से हम जो है क्या स्टेप्स उठा सकती है हमारी गवर्नमेंट या हम लोग जो है अपने पानी की क्वालिटी को हम खराब होने से बचा सकते हैं, क्या स्टेप्स हमें उठाने चाहिए, तो ये इसके बारे में यहाँ पे बोल रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग का ये रिपीटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट, पहले भी सैंपल पेपर में मैंने डिस्कस किया है ये। यहाँ पे क्या है, हम लोग मीट है, बूल है, हाइड्स है, ये सब जो है रियर करते हैं एनिमल्स के द्वारा। एंड यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी दे रखे हैं, ये काफी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव होती है ये, इसमें अच्छी लागत लगती है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मशीनरीज इक्विपमेंट्स वगैरह के लिए। एंड यहाँ पे क्या होता है कि जैसे एनिमल्स जो होते हैं ना उनको रेंचेस में बांट देते हैं, जैसे ये पूरा एक बाड़ा होगा फिर अगला एक बाड़ा होगा, ऐसे ऐसे करके इनके साथ जो है रियर्ड किया जाता है चीजों को। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे इनमें एनिमल्स में क्या क्या हो जाएंगे, शीप है, गोट है, हॉर्सेस है ना, तो इसमें कैटल्स वगैरह आ जाएंगे सारे, एंड आपके पिग्स भी आ जाते हैं, हैंस भी आ जाते हैं,
ये सारी जो चीजें हैं आपकी कमर्शियल लाइफ स्टॉक के अंदर ही आ जाएंगी। और ये क्या होते हैं, पूरा साइंटिफिकली इनको ट्रीट किया जाता है, जो भी प्रोडक्शन इनसे हो रहा है तो वो टेस्ट किया जाता है कि बिल्कुल सही है कि नहीं, क्योंकि चीजों को एक्सपोर्ट किया जाता है देश से बाहर इस वजह से। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इनका मैनेजमेंट भी किया जाता है कि अगर किसी एनिमल को कोई डिजीज तो नहीं हो गई है, वो बाकी के एनिमल्स को इन्फेक्ट कर दे, इसलिए उनकी हेल्थ केयर का भी बहुत ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे जेनेटिक इम्प्रूवमेंट भी किया जाता है, ब्रीडिंग वगैरह भी करवाई जाती है। तो यहाँ पे जो साइंटिफिकली जो इश्यूज होते हैं ये यहाँ पे रखे जाते हैं स्टूडेंट। उसके बाद ये जो कैपिटल लाइफ स्टॉक रियरिंग है ये मोस्टली कहाँ कहाँ की जाती है, जैसे अमेरिका है, अर्जेंटीना है, न्यूजीलैंड है ना, ऑस्ट्रेलिया है एंड उरुग्वे है, इन कंट्रीज में ये सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है, इसमें काफी अच्छी खासी जो लागत है आपके पैसों की लगती है तब इसको किया जाता है। उसके बाद 25th वाला देखेंगे कि हम किस तरीके से पानी की क्वालिटी को बेकार कर रहे हैं। तो भाई देखो, तो इंडिया में क्या है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से यहाँ पे पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा फैल रहा है और यहाँ पे पानी की खपत भी बहुत ज्यादा हो रही है और पानी गंदा भी होता जा रहा है, क्योंकि लोग भी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो उसकी हिसाब से जो गंदगी है वो भी कहाँ पे पानी में ही रिलीज कर देते हैं सब कुछ। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे आ गई, रैपिड अर्बनाइजेशन। जिस तरीके से हमारे देश में अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो पानी की क्वालिटी है वो बिल्कुल बेकार होती जा रही है। ठीक है, क्योंकि अब अर्बनाइजेशन बढ़ेगा तो इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, है ना, लोगों का जो सेटलमेंट है वो बढ़ेगा, तो ये सारी चीजें बढ़ने की वजह से यहाँ पे जो पानी को डिस्पोज कर दिया जाता है एक तरीके से रिवर्स में, है ना, जहां पे भी पानी की रिसोर्सेज है उनमें छोड़ दिया जाएगा अपना गंदा पानी, हाउस होल्ड का पानी, इंडस्ट्रीज का पानी, तो जिसकी वजह से पानी जो है वो बेकार हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे ग्राउंड वाटर भी इन्फेक्ट होता है, ग्राउंड वाटर की क्वालिटी भी बेकार होती है। दूसरा, आप इंडस्ट्रीज डाल सकते हैं, ये तो भाई कॉमन सी चीज है, सभी को पता होगा, इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी तो उनका जो वेस्ट है वो कहाँ जाएगा, वो पानी हमें छोड़ देते हैं, इसलिए सारी रिवर्स जो है हमारी गंदी हो चुकी है। इसीलिए यहाँ पे मिशन गंगा, मिशन यमुना क्यों चलाए जा रहे हैं इनको क्लीन करने के लिए, क्योंकि इन्होंने ये पूरा खराब कर रखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डाल देना आप तीसरा, एग्रीकल्चरल रन ऑफ। अब देखो, आजकल एग्रीकल्चर में बिना फर्टिलाइजर्स के, बिना पेस्टिसाइड्स के तो कोई एग्रीकल्चर हो नहीं पा रहा है। ठीक है, बिल्कुल ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह तो लोग यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत फास्ट सर्विस देनी होती है इस वजह से। तो यहाँ पे क्या है, जो उनका रन ऑफ है बारिश के पानी से, जो भी पेस्टिसाइड्स, जो भी केमिकल्स वगैरह उन पे छिड़के गए हैं वो क्या होता है, धुल के सीधा पानी के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये रन ऑफ जो होता है इसकी वजह से भी पानी जो है इन्फेक्ट होता है स्टूडेंट, और रिवर वाटर खासकर। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है, ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ वाटर, पानी को इतना मिसयूज करते हैं ना लोग, तो इस वजह से भी यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं। अब देख रहा, कुछ 50-60 सालों में ना हम पानी के लिए इतना तरसेंगे ना कि फिर हमें रियलाइज होगा हमें आगे वाली जनरेशन के लिए कुछ नहीं छोड़ के जाने वाले हैं। ठीक है ना, तो जिस तरीके से हमारी हरकतें हैं तो इसे हमें सुधार लेना चाहिए। तो पानी का ओवर एक्सप्लोटेशन नहीं करना है यहाँ पे। तो ग्राउंड वाटर की कमी होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फ्लोराइड्स एंड आर्सेनिक है ना ये आते जा रहे हैं, क्योंकि इनका एक लेवल होता है स्टूडेंट। अगर आप पानी को बहुत डीप मात्रा तक लेके जाओगे तो यहाँ पे ये आपको केमिकल, जो हार्मफुल जो केमिकल्स हैं ये आपको देखने को मिल जाएंगे। फ्लोराइड्स एंड आर्सेनिक मोस्टली हर जगह पे पाया जा रहा है, ठीक है, पानी में। एंड सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस जो होती हैं, हम क्या करते हैं अपने जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे हमने गणेश विसर्जन किया है ना, हमने नवरात्रि की पूजा करी, या हम कुछ भी ऐसी चीज जो करते हैं जो हमारे स्पिरिचुअल चीजों से जुड़ी होती है, हम सारी चीजें कहाँ पे विसर्जित करते हैं, पानी में। तो जिसकी वजह से क्या है, पॉल्यूट क्या हो रहा है, पानी पॉल्यूट हो रहा है ना, हम बहुत लार्ज मात्रा में, मतलब वहां पे क्या है, मास एक कम्युनिटी बात लेते हैं सब लोग जो है, ठीक है, जिसकी वजह से पानी की क्वालिटी जो है गिरती है, क्योंकि अब सब लोगों की गंदगी उसमें चली जाती है। उसके बाद यहाँ पे हम देखें, और मैं ये भी देखो, पानी से रिलेटेड ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन तो पक्का आ सकता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है आज की डेट में, इसीलिए आपकी राय पूछी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप और में क्या डालोगे कि क्वालिटी ऑफ वाटर जो है कैसे डिट्रेट तो हो रहा है, ये हमने देख लिया, लेकिन हमें इसके लिए क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, हमें क्या करना चाहिए कि जो है हम पानी की क्वालिटी को बचा सकें। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमें ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट्स, अब ये प्लांट्स मतलब पेड़ पौधे वाले प्लांट्स नहीं है, ये प्लांट्स मतलब यहाँ पे कुछ ऐसी फैक्ट्रीज ये सब बनाने के लिए बोल रहा है कि पानी को जो प्योर किया जा सके, या पानी को रिवर्स और इन सब में वाटर रिसोर्सेज से मिलाने से बचाया जा सके। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस तरीके के प्लांट्स जो है हमको एस्टेब्लिश करने चाहिए जहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह है। एंड उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है क्या कि जो वेस्ट रिडक्शन एंड रिसाइकलिंग, पानी को मतलब एक तरीके से रिड्यूस करो एंड रिसाइकल करो, पानी की खपत भी कम करो, और जो पानी आप खपत कर रहे हो ना उसका सोचो कि आप क्या रिसाइकल उसको कर सकते हो। जैसे अगर आपने बर्तन धोए हैं, है ना, आपने कपड़े धोए हैं, पोछा लगाया है, तो उस पानी को आप और कैसे यूज कर सकते हो, वो चीज आपको सोचनी चाहिए। आप प्लांट्स वगैरह में दे सकते हो, बाहर छिड़क सकते हो, मतलब
किसी भी तरीके से आप इसको लेके आ सकते हो अपने दूसरे कामों में। जैसे अभी हमने देखा था कि एग्रीकल्चर में जो रन ऑफ हो जाता है, हार्मफुल केमिकल्स फर्टिलाइजर्स जो है पानी में मिल जाते हैं, तो उनके लिए हमें ध्यान देना चाहिए, हमें पानी को पॉल्यूट होने से बचाना चाहिए, चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है वाटरशेड मैनेजमेंट करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद हमें क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करनी चाहिए। जो बारिश का पानी होता है उनको पिट्स में, वेल्स में स्टोर कर लो, तो आपकी भी जो नेसेसिटी है वो कंप्लीट हो जाएगी और ग्राउंड वाटर की क्वालिटी जो है वो भी बच जाएगी। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं हम उठा सकते हो, आप इनको पॉइंट वाइज लर्न कर लेना, उसके बाद इनके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना स्टूडेंट। तो 26 का आंसर देखेंगे, नॉइज पॉल्यूशन, तो ये तो हम 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, वॉट आर द टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, तो उसमें नॉइज पॉल्यूशन हमने कई बार पढ़ा है, जो भी आपकी फैक्ट्री से जो आवाजें निकलती हैं, जो आपके ऑटोमोबाइल से बस है, कार है, बाइक है, इन सबसे जो आवाजें निकलती हैं, एयरक्राफ्ट है, इन सबसे आवाजें भी निकलती हैं, और इन सबसे जो आपका एयर पोल्यूशन भी साथ में फैल रहा है वो एक अलग चीज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपके फेस्टिवल्स के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जैसे देखो नॉर्मली लोग रामायण करवाते हैं, भागवत करवाते हैं ना, और नॉर्मली कोई भी प्रोग्राम होता है, इन सब में कितनी आवाजें लाउड स्पीकर के द्वारा ये लोग चलाते रहते हैं, पूरे दिन ये सारी चीजें बसती रहती हैं। अब वैसे भगवान का नाम है तो कोई रोकता नहीं है, लेकिन है तो ये एक तरीके का नॉइज पॉल्यूशन ही ना। तो जो साउंड है ना वो डेसिबल में काउंट होती है, कि हम कितने लेवल तक जो है वो नॉइज को सुन सकते हैं, हमारी जो हियरिंग कैपेसिटी है वो कितनी होती है, ठीक है, मॉडरेट, माइल्ड एंड एक्सट्रीम, ये तीनों, ठीक है। तो उसमें यहाँ पर ट्रैफिक जो है ये बहुत ज्यादा एक नॉइज पॉल्यूशन फैलाता है, स्पेशली बड़े बड़े सिटीज में, मेगा सिटीज में, ठीक है। तो ये नॉइज पॉल्यूशन जो है धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। अब देखिए लोगों के पास व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं, लोग जो है अर्बनाइज्ड हो रहे हैं, शहरों में आ रहे हैं, तो अब वो साइकिल से चलना तो पसंद नहीं करेंगे, तो इसीलिए कार है, बाइक्स है, ये सब चीजें आ रही है। तो ये एक तरीके से क्या है, ये नॉइज पॉल्यूशन भी तो फैलाती है ना, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो सी ट्रैफिक है, ये भी खूब नॉइस पोल्यूशन फैलाता है। यहाँ पे जैसे इंडस्ट्रीज जहाँ पे है वहां तो वो नॉइस आनी ही आनी है, क्योंकि वहां पे जो भी मैन्युफैक्चर हो रहा है तो वो तो आवाज करता है, मशीनरीज वगैरह। उसके बाद यहाँ पे यही सारी चीजें बता रहा है स्टूडेंट, ये कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, आप इसको नॉर्मली कर सकते हो, लेकिन हाँ इससे होने वाली जो प्रॉब्लम है ना ये बहुत ज्यादा मतलब हमें इस पे ध्यान देने की जरूरत है। जैसे लोगों को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है नॉइज की वजह से, अनॉयंस हो जाती है, मेंटल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, एंड स्लीप डिस्टरबेंस भी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए अब आज की डेट में इतनी भाग दौड़ की जिंदगी में कहां से अब नॉइज पॉल्यूशन के बिना तो काम नहीं चलेगा, इसलिए आदत भी डल जाती है कुछ लोगों को। उसके बाद और भी हम देखेंगे यहाँ पे कि अर्बन वेस्ट जो है ये किस तरीके से एक सीरियस प्रॉब्लम बनता जा रहा है आज की डेट में, एंड लोकल जो गवर्नमेंट है या लोकल जो म्युनिसिपैलिटीज है वो क्या रोल प्ले कर सकती है इसको इरेडिकेट करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज बता रहा है। तो देखिए जैसे दिन ब दिन जो है वो क्या है, वेस्ट बढ़ता ही जा रहा है, लोग शहरों में रह रहे हैं, अब शहरों में जो जगह है वो तो कंजेस्टेड है, लेकिन उससे निकलने वाला जो वेस्ट है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे अर्बन वेस्ट की प्रॉब्लम्स आती है स्टूडेंट। तो देखिए ये है अर्बन वेस्ट, ये पूरा एक तरीके से कूड़े जो इकट्ठा हो जाता है ना, कूड़े के पहाड़ भी आपने देखे होंगे अगर आप बड़े बड़े सिटीज में रहते हो, तो यहाँ पे क्या है इसका क्या किया जा सकता है। और यहाँ पे जैसे टन्स ऑफ वेस्ट है ना वो डेली की डेली बढ़ता ही जा रहा है, स्पेशली मेट्रो सिटीज में, और फिर क्या करते हैं इसको इकट्ठा करके यहाँ पे जला देते हैं, ठीक है। जलाने से क्या होता है, इसके जो एशेस निकलता है, इसका जो धुआं निकलता है वो एक एयर पॉल्यूशन भी करता है यहाँ पे। एंड इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि भाई जगह नहीं है, एक तो शहरों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जगह नहीं होती है जहाँ पे गार्बेज इकट्ठा किया जा सके, तो डिस्पोज नहीं कर पाते हैं किसी जगह पे, तो पानी वहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वाटर पोल्यूशन हो जाता है। उसके बाद जो इंडस्ट्रीज है, अब देखो ये तो सभी को पता होगा कि इंडस्ट्रीज जो है वो किस तरीके से एनवायरनमेंट को इतना ज्यादा हार्म कर रही है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स लेकर आ रही है, ठीक है। और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसका जो गंदगी निकलती है इंडस्ट्रीज से वो भी पूरा पानी में छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। तो जो सॉलिड वेस्ट है उसको मतलब कंट्रोल करने के लिए कुछ चीजें मिलती नहीं है, तो यहाँ पे क्या है ये दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, पर कैपिटा इसका ना दिन ब दिन बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है, ठीक है ना। क्योंकि लोग जो है ज्यादातर शहरों में जा रहे हैं तो वो भी बढ़ रहे हैं, एंड यहाँ पे इन प्रॉपर डिस्पोजल है भाई, प्रॉपरली उसको डिस्पोज नहीं किया जाता है जो सॉलिड वेस्ट है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है डिजीजेस फैलती है, रोडेंट्स आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े, फ्लाइज, एंड ये सारी प्रॉब्लम कॉलरा है, है ना, और ये सारी चीजें फैलती हैं, टाइफाइड वगैरह। एंड इसकी वजह से अगर हम यहाँ पे देखें कि जो थर्मल प्लांट्स हैं वो कितना ज्यादा रिलीज करता है स्मोक को, ठीक है ना। थर्मल प्लांट्स क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करेगा यहाँ पे, तो 500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रिलीज करती है 2000 टन ऑफ एश, यानी धुआं, जिसको मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे एक तरीके से, ठीक है। धुआं मतलब राख टाइप का धुआं। नेक्स्ट मूव करेंगे 27 क्वेश्चन पे, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड।
वर्ल्ड की बात कर रहा है यहाँ पे। रोड के ना मतलब फायदे और नुकसान दोनों बताने हैं आपको। एंड 28 बोल रहा है कि यहाँ पे जो कंट्रीज है वो कैसे क्लासिफाइड की जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंडर में, ठीक है। ये एक रैंकिंग लगाता है स्टूडेंट हर साल की, मतलब कौन सा कंट्री जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा आगे है और कौन सा कंट्री सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक रैंकिंग आती है, लिस्ट आती है हर साल। और यहाँ पे और मैं बोल रहा है कि एक्सप्लेन द थ्री मेन एरियाज ऑफ मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। तो किन किन एरिया से जो ना ह्यूमन डेवलपमेंट का पता लगता है कि आपके देश में ह्यूमन डेवलपमेंट प्रॉपर है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे रोड ट्रांसपोर्ट के मेरिट्स, मतलब इसके फायदे क्या है रोड के। तो जैसे इकोनॉमिकली ये क्या होता है, चीप होती है, रोड ट्रांसपोर्ट जो है चीप होती है। और जैसे फ्रेट मूवमेंट भी बहुत इजिली हो जाता है बाय द ट्रेन से ना। एंड यहाँ पे कनेक्टिविटी भी बन जाती है, आप एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजीली जा सकते हो रोड ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। डोर टू डोर सर्विसेज ये प्रदान करती है। एंड आप ट्रांसपोर्टिंग पेरिशेबल गुड्स बहुत इजी हो जाता है। पेरिशेबल गुड्स जैसे आपके जैसे मिल्क हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, तो इनको क्या होता है बहुत जल्दी कंज्यूम करना पड़ता है, अदरवाइज ये खराब हो जाते हैं। तो इसके लिए रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो काफी हेल्पफुल होता है, चीजें फटाफट पहुंच जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि ट्रेड एंड कॉमर्स में भी बहुत लाभदायक है यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट जो है, इसमें बहुत इजीली हो जाता है टूरिज्म वगैरह जो, अगर आपको कहीं एक जगह से दूसरी जगह घूमने फिरने जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको बोल रहा है फ्लेक्सिबिलिटी रहती है यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये जो चीज है आप अगर आपको जाना है तो मल्टीपल रूट्स रहते हैं। अगर आपको इस रोड से नहीं जाना है, कोई दूसरी रोड है शॉर्टकट वाली रोड है, तो आपके पास और भी ऑप्शंस होते हैं रोड्स में, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये इसके हो गए कुछ फायदे रोड्स के। एंड डीमेरिट्स में हम देखेंगे कि भाई क्या है इसके नुकसान भी क्या है, कि जैसे हैवी एक्सपेंडिचर। अब जब ये बनती है ना रोड्स, तो इसको बनाने में इसका मेंटेनेंस करने में जो पैसा लगता है, लागत लगती है, वो काफी ज्यादा होती है। एंड यहाँ पे ट्रैफिक ये जो है इसको जनरेट करता है, जितनी ज्यादा रोड्स अच्छी होंगी उतना ज्यादा ट्रैफिक आपको उस रोड पे मिल जाएगा इजीली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रैफिक देख सकते हो, और ट्रैफिक होने से कॉग्निशन अकर होता है स्टूडेंट। एंड नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये कि भाई नॉट सस्टेनेबल फॉर ऑल द सीजन्स। अब रोड्स जो है आप हर टाइम नहीं जा सकते, रेनी सीजन में देखो बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी अकर होते हैं रेनी सीजन वगैरह में। एंड यहाँ पे बोल रहा है कि कंस्ट्रक्शन जो इसकी लागत लगती है वो बहुत ज्यादा होती है। एंड दूसरी चीज हमने क्या देखी थी कि जैसे हिली एरियाज वगैरह में, टेरेन एरियाज में रोड्स नहीं बन सकती हैं, तो वहां तक आवाजाही की कोई भी ऐसी सुविधा नजर नहीं आती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इसके डिमेरिट्स में डाल देंगे। उसके बाद हम 28th में देखेंगे कि जो HDI काउंट होता है ये किस तरीके से होता है। तो जैसे ये हर साल अपनी रिपोर्ट निकालता है कि जैसे हर कंट्री में क्या है, उसका सोशल सेक्टर कैसा है, उसका एजुकेशनल फील्ड कैसा है, उसकी हेल्थ केयर कैसी है, उस कंट्री में लोग जो रह रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए कितना काम किया जा रहा है। तो अगर वहाँ के जो सिटीजन है वो ओवरऑल उनका डेवलपमेंट हो रहा है ना हर फील्ड में, तो वो कंट्री जो है वो सबसे ज्यादा आगे रैंकिंग में रहेगा HDI के, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दे रखा है कि इनका जो स्कोर है वो कैसे काउंट किया जाता है, कि अगर कोई कंट्री जो है वो 0.701 से लेकर 0.77 तक है तो वो बहुत अच्छा है HDI के मामले में, मतलब हाई HDI है, बहुत अच्छा है वहाँ पे हर चीज, ठीक है। उसके बाद मॉडरेट में अगर हम देखें तो यहाँ पे 0.550 से लेके एंड 0.70 तक ये मॉडरेट है, मतलब चल जाएगा, ठीक है, जिसमें इंडिया आता है। एंड अगर उसमें देखें नेक्स्ट वाला लो HDI, यहाँ पे बिल्कुल तरक्की नहीं हो रही है, लोग बहुत दुखी हैं, जैसे अफगानिस्तान वाला कंट्री हो गया आपका, है ना, और जैसे मोरक्को टाइप के कंट्री हो गए, सीरिया टाइप के कंट्री हो गए। तो यहाँ पे जो सिटीजन है बहुत ज्यादा थ्रेट में रहते हैं एक तरीके से, इनके वेलफेयर तो छोड़ो ये जीले वही बहुत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि इनके लिए यहाँ पे लो HDI जो है इसको रिकमेंड किया जाता है HDI रिपोर्ट के द्वारा। और यहाँ पे जो सोशल इंस्टेबिलिटी रहती है ना, और आपके यहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल रहता है, और बहुत ज्यादा ये मतलब डिजीजेस वगैरह से गुजरते रहते हैं, सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं देती है इन पर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज है। और हम किस में आएंगे, हम इसमें आएंगे स्टूडेंट, हमारी जो रैंकिंग है एक्चुअली 2023 की वो 191 कंट्रीज के अंदर ना, मतलब हम जो है वो 132 नंबर पे हैं। वैसे मतलब इतनी भी बढ़िया नहीं है, लेकिन इतनी बेकार भी नहीं है, ठीक है, हमसे भी बेकार देश पड़े हैं। नंबर वन पे कौन रहता है, नंबर वन पे हमेशा देखना आप नॉर्वे रहेगा, फिनलैंड रहेगा, स्वीडन रहेगा, ये कंट्रीज जो है ना ये नंबर वन नंबर टू ऐसी रहेंगे, मतलब वन से लेके थ्री की रैंकिंग में उनकी हमेशा आती जाती रहती है। देखो आपने शायद एक मूवी भी देखी होगी, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे ऐसे करके कुछ है, तो वहां पे दिखाते हैं तो नॉर्वे की जो सरकार है ना वो कितना ज्यादा बच्चों पे ध्यान देती है, मतलब वहां पे पेरेंट्स जो है बच्चों को डांट नहीं सकते हैं, हाथ से भी खाना नहीं खिला सकते हैं, बच्चों पे इतना ज्यादा ध्यान देती है वहां पे, मतलब क्योंकि सर वहां पे एक तो क्या है पॉपुलेशन बहुत कम है ना, तो सरकार के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं लोगों का ध्यान रखने के लिए। लेकिन भारत जैसे देश में भाई हमारे माता पिता जो हैं वो बच्चों को खूब डांट भी लगाते हैं, पिटाई भी करते हैं, हाथ से खाना भी खिलाते हैं, मतलब हमारा तो खैर
हमारे तो माता पिता का खैर बर्ताव भी बहुत अलग होता है, बहुत ज्यादा प्यार भरा होता है, लेकिन इन कंट्रीज में ऐसा नहीं कर सकते। इन कंट्रीज में तो भाई बच्चे को मतलब ऐसे रखना है जैसे एज अ गेस्ट है क्या वो, ठीक है ना। तो क्यों, क्योंकि सरकार जो है, अगर आप अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख रहे तो सरकार जो है बच्चे को ले जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज बता रखी है, ये सिर्फ HDI के ही फॉर्मेट है और कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बता रहा है और में हम देखेंगे कि किस तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो मेजर किया जाता है। तो जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है एंड रिसोर्सेज के हिसाब से मेजर किया जाता है ह्यूमन का डेवलपमेंट। ह्यूमन की हेल्थ अच्छी है ना, तो वो कैसे देखा जाएगा कि भाई उसकी एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ, मतलब लोग जो पैदा हो रहे हैं वो सही सलामत पैदा हो रहे हैं कि नहीं, मेडिकल फैसिलिटी कैसी है, ये सारी चीजें देखी जाती है। तो हेल्थ अच्छी है तो आपके देश का डेवलपमेंट भी अच्छा हो रहा है, ठीक है। दूसरी क्या है कि आपके देश में ह्यूमन डेवलपमेंट जो है एजुकेशन के हिसाब से भी होता है। अगर जो एडल्ट लिटरेसी है वो अच्छी है आपके देश में, लोगों की नॉलेज जो अच्छी है, तो उसके हिसाब से भी काउंट किया जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट। और तीसरा है रिसोर्सेज फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। लोगों की जो नीड्स है, जो रिक्वायरमेंट्स है, वो कंप्लीट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, लोगों के लिए हेल्थ में काम किया जा रहा है कि नहीं, एजुकेशन में किया जा रहा है कि नहीं, ये सारे रिसोर्सेज इसके लिए अवेलेबल है कि नहीं, ये सारी चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे लॉन्ग आंसर्स भी फिनिश होते हैं स्टूडेंट। अब मूव करेंगे मैप में, अब मूव करेंगे सेक्शन ई में। तो यहाँ पे आपको क्या है ना, एक तो इंडिया मैप दे रखा होगा और एक वर्ल्ड मैप दे रखा होगा। तो इंडियन मैप में जो चीजें पूछी गई हैं वो ये है। तो 29 का आंसर देखेंगे, इंडियन पॉलिटिकल मैप में जो प्लेसेस लोकेट कर रखी हैं वो देख लेते हैं। पहला बोल रहा है अ मेजर सी पोर्ट इन उड़ीसा, तो उड़ीसा में जाइए आप, वहां पे क्या लोकेट कर रखा है, यहाँ पे सी पोर्ट पूछ रहा है, तो ये आपको बताना है पारादीप, ठीक है। उसके बाद सेकंड बोल रहा है अ कॉपर माइन इन गुजरात, है ना, तो गुजरात के अंदर कौन सी कॉपर माइन है, तो ये आपको बतानी है स्टूडेंट। तो देखिए पूछा तो यहाँ पे गुजरात में है, लेकिन लोकेशन दे रखी है यहाँ पे राजस्थान के अंदर। तो ये कॉपर माइन है खेतड़ी, ये बहुत पुरानी माइंस है, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय की माइंस है स्टूडेंट। यहाँ पे उस समय पे ये डिस्कवर की गई थी, तो यहाँ पे ये गुजरात का क्वेश्चन गलत दे दिया है, यहाँ राजस्थान आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड देखेंगे लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, तो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन क्या है, ये आ जाएगा आपका महाराष्ट्र, ठीक है। तो अगर महाराष्ट्र में ना लोकेशन दे रखी हो ना, गुजरात में दे रखी हो, तो गुजरात भी एक लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉटन का। उसके बाद फोर्थ में बोल रहा है एन आयरन ओर माइन इन उड़ीसा, तो उड़ीसा के अंदर आपको आयरन ओर की माइन देखनी है, तो हमने थोड़ी देर पहले आंसर में भी डिस्कस किया था, ये है मयूरभंज, ठीक है, आयरन ओर। उसके बाद यहाँ पे लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट, तो भाई जूट को तो कोई भी फेल नहीं कर सकता है, वेस्ट बंगाल ही आएगा यहाँ पे। वेस्ट बंगाल जो है हमेशा फर्स्ट पे रहता है जूट के प्रोड्यूसर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन तमिलनाडु, तो तमिलनाडु का इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है, ये हो जाएगा चेन्नई। उसके बाद बोल रहा है अ बॉक्साइट माइन इन मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के अंदर बॉक्साइट की जो माइंस हैं वो कहाँ है, ये है आपका कटनी में, ठीक है। तो यहाँ पे MP का कटनी जो है, यहाँ पे बॉक्साइट की माइंस मिल जाएंगी। यहाँ पे आपका इंडियन पॉलिटिकल मैप फिनिश होता है स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे वर्ल्ड के पॉलिटिकल मैप पे, तो यहाँ पे पहली चीज बोल रहा है एरिया ऑफ सब्सिस्टेंस गैदरिंग, तो सब्सिस्टेंस गैदरिंग का जो एरिया है ये आपको बताना है, तो ये हो जाएगा साउथ ईस्ट एशिया यहाँ पे, ठीक है। सब्सिस्टेंस गैदरिंग यहाँ पे होती है, यानी प्रिमिटिव एग्रीकल्चर जो एक तरीके से आ जाएगी इसमें। उसके बाद यहाँ पे एन एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग्स, तो नोमैडिक हर्डिंग्स क्या होती है, साउथ वेस्ट अफ्रीका में, यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्राइब्स वगैरह रहती हैं, तो हर्डिंग्स भी बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे। उसके बाद थर्ड है एन इनलैंड वाटरवे, ये तो सारे ही सैंपल पेपर में पूछा गया है, या तो पनामा वाला या स्विस कैनाल वाला, ठीक है। तो इनलैंड वाटरवे, पनामा तो कई बार पूछा गया है ना, तो पनामा जो है वो यहाँ पे है, ये एक तरीके से पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से मतलब लिंक करता है, यहाँ से बीच में रास्ता बना दिया गया है, और यहाँ से हम एक तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ से जो शिप्स अगर जाना है तो यहाँ से कट करके यहाँ जा सकते हैं, ठीक है, या यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है एन एरिया ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग इन ऑस्ट्रेलिया, अब ऑस्ट्रेलिया में जाना है आपको और बताना है कि भाई मिक्स्ड फार्मिंग जो है ये कहाँ पे की जाती है, तो ये है तस्मानिया, यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद बोल रहा है फिफ्थ अ मेजर सी पोर्ट, अब देखो सी पोर्ट को भी लोकेट करना है यहाँ पे, ये बोल रहा है पर्थ में है यहाँ पे, ये भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही आ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है अ मेजर एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट बताना है आपको एडन, है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा, एडन वाला यहाँ पे लोकेशन दे रखी है। उसके बाद ईस्टर्न टर्मिनल स्टेशन ऑफ द ट्रांस साइबेरियन, है ना, तो ट्रांस साइबेरियन हमने पढ़ा था ना, सेंट पीटर्सबर्ग से लेके व्लादिवोस्तोक तक आती है ये यहाँ पे इधर, है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा पूरा सैंपल पेपर जो है फिनिश हो चुका है, तो इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप एक बार सर्च करना, सारे के सारे सैंपल पेपर आपको वहां मिल जाएंगे, ओसवाल के, अरिहंत के, ठीक है ना, और शॉर्ट नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, ओसवाल अरिहंत के ही शॉर्ट नोट्स जो सारे चैप्टर्स के दे रखे हैं ना वो भी आपको मिल जाएंगे।
आप एक बार जरूर रीड करना, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सबके मिल जाएंगे आपको। और ये जो सारे सैंपल पेपर की सीरीज है ना, ये जस्ट आपके रिवीजन के लिए है, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से अपना रिवीजन करना है, क्योंकि 29 फरवरी को ज्योग्राफी का पेपर है, ठीक है। तो भाई अब कमर कस लो, अब एग्जाम आने ही वाला है, ज्योग्राफी के सारे सैंपल पेपर ऑलमोस्ट हमारे कवर होने वाले हैं। तो यहाँ से आपको क्या है ना, एक आंसर राइटिंग के लिए एक हेल्प मिल जाएगी कि हम आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हम अपने आंसर्स में डाल सकते हैं ना। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट तो खुद ही क्लियर करने पड़ेंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, है ना। वीडियोस देखिए, अपने एनसीईआरटी की बुक को रिवाइज कीजिए, तो ना इस हिसाब से अपनी तैयारी को लगातार रखिए स्टूडेंट। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक तो बनता है, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से आपको वीडियोस मिलती रहेंगी एग्जाम्स तक। तो मिलेंगे नेक्स्ट सैंपल पेपर में हिस्ट्री के साथ, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।